हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था पोलैरिटी टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो आज इस ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है पोलैरिटी टेस्ट एंड फेजिंग अप टेस्ट ऑन अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, द फर्स्ट वन इज पोलैरिटी टेस्ट एंड सेकेंड वन इज सॉरी फेजिंग आउट टेस्ट। ओके, तो ट्रांसफार्मर पोलैरिटी टेस्ट जो है हमें सबसे पहले देखना है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो डायग्राम है ये बताती है कनेक्शन, हाउ कैन वी कैरी आवर पोलैरिटी टेस्ट ऑन आवर ट्रांसफार्मर। ओके, सो द एच वी एंड एल वी टर्मिनल्स ऑफ अ सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर शुड ऑलवेज बी मार्क एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि जब भी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज जो टर्मिनल्स होते हैं उनके जो क्या कह सकते हैं टर्मिनल्स होते हैं वो हमेशा मार्क होने चाहिए। ओके, सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल्स है वो हमेशा मार्क होने चाहिए। फॉर अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर व्यूड फ्रॉम एच वी साइड, द अरेंजमेंट ऑफ बोथ सेट्स ऑफ टर्मिनल्स ऑल बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात होती है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जो बात होती है, अगर एच वी साइड से हम देखें, एच वी साइड से अगर उसको देखा जाए, द अरेंजमेंट ऑफ बोथ सेट्स ऑफ टर्मिनल शॉल बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अरेंजमेंट है दोनों के दोनों टर्मिनल सेट्स का वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स कैसे, लेफ्ट टू राइट, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका जो अरेंजमेंट है वो होना चाहिए। इफ न्यूट्रल इज प्रोवाइडेड इट शुड बी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एज पर IS 2026-1977 रिवाइज्ड IS। ओके, क्या होता है, इट शुड बी ऑन, देन इफ न्यूट्रल इज प्रोवाइडेड, अगर यहाँ पे न्यूट्रल बताया गया है, अगर न्यूट्रल प्रोवाइड कराया गया है तब की बात हो रही है, इट शुड बी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। कैसे होना चाहिए, इट शुड बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ओके, सो एज पर IS द रूल द फेज मेकिंग UVW इज अडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ ABC इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो जो फेज मेकिंग है उसको हमने अडॉप्ट किया है एज UVW इंस्टेड ऑफ ABC। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग किया है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस। इन केस ऑफ 10 ट्रांसफार्मर्स द टर्मिनल सबस्क्रिप्ट नंबर शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो टर्मिनल्स के अरेंजमेंट है, सबस्क्रिप्ट नंबर्स है जो है वो ऐसे अरेंज होने चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर से, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। सो कैपिटल लेटर जो है वो यूज किए जाते हैं टू इंडिकेट द एच वी साइड। कैपिटल लेटर को एच वी साइड के लिए यूज किया जाता है और वाइंडिंग एच वी वाइंडिंग के लिए, और जो स्मॉल लेटर्स है वो इंडिकेट किए जाते हैं एल वी वाइंडिंग को बताने के लिए। ओके, इसके लिए कैपिटल लेटर्स, के लिए स्मॉल लेटर्स। इसके बाद द आइडेंटिकल सफिक्सेस ऑन एच वी एंड एल वी साइड रिप्रेजेंट आइडेंटिकल पोलैरिटी। ओके, अगर आइडेंटिकल सफिक्सेस है किसी साइड पे, एल वी या एच वी साइड पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिकल पोलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब उसकी जो पोलैरिटी है वो आइडेंटिकल है। That is at any instant in a cycle, if A1 is positive, then A1, if A1 is positive, then this A1 is also must be positive. And at the same instant, A2 and A2 both must be negative. A2 and A2 क्या हो जाएंगे फिर, negative. To find polarity correctly, following test is performed. तो अब जो test की बात है वो मेन आती है। ओके, तो मैं ये जो है क्लीन कर देती हूँ। द कनेक्शंस आर मेड एज शोन इन द फिगर। ओके, कनेक्शन इस तरीके से बताया गया है, दैट इज टू वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अज्यूमिंग दैट अपर पेयर एंड लोअर पेयर हैव लाइक पोलैरिटीज। तो क्या बोला गया है, दो वाइंडिंग्स को जो है कनेक्ट किया गया है किस तरीके से, सीरीज में।
सीरीज में इनको कनेक्ट किया गया है इस तरीके से अज्यूम करके, जो अपर पेयर है ओके एंड लोअर पेयर है, उनका जो पोलैरिटी है वो सेम है. तो पोलैरिटी इज सेम. एसी वोल्टेज इज अप्लाइड एवन एंड ए टू टर्मिनल्स ऑफ ट्रांसफार्मर. ओके एसी वोल्टेज जो है अप्लाइड किया जाता है एवन एंड ए टू टर्मिनल पे, एवन एंड ए टू टर्मिनल पे के अक्रॉस जो है एसी वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है. द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स एवन एंड ए टू इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर वी. तो एवन एंड ए टू का जो क्या कह सकते हैं, एवन एंड ए टू का, एवन एंड ए टू का जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस मेजर किया जाता है, सॉरी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, बाय वोल्टमीटर वी. इफ वे इज ग्रेटर देन इवन, अगर वी की वैल्यू, सॉरी वी की जो वैल्यू है अगर ई से ज्यादा है, इवन से ज्यादा है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट बोथ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इवन एंड ई टू आर एडिटिव. तो अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, इवन एंड ई टू जो है वो एडिटिव है. सो अज्यूम पोलैरिटीज आर करेक्ट, इसका मतलब क्या है, हमने जो पोलैरिटी अज्यूम की है वो कैसे निकली, करेक्ट निकली, बराबर निकली. इन केस इट इज नॉट सो, ओके अगर इन केस ऐसा ना होता है सो देन पोलैरिटी मेकिंग इज नॉट करेक्ट. अगर ऐसा ना मिले हमें आउटपुट में तो जो पोलैरिटी है हमारी ये करेक्ट नहीं होगी, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है. सो मेकिंग ऑफ एनी वन साइड आर टू बी चेंज, तो एक किसी साइड की जो मेकिंग है, कनेक्शन है, टर्मिनल की जो पोलैरिटी है वो चेंज होनी चाहिए. टेस्ट इज अगेन कैरिड आउट बाय मेकिंग कनेक्शन एज शोन इन द फिगर. तो इस तरीके के कनेक्शंस देख के टेस्ट फिर से हमें कैरी आउट करनी पड़ेगी. ओके सो टू कंफर्म द करेक्ट पोलैरिटी इन दिस केस वी शुड बी लेस देन इवन. तो इस केस में क्या होना चाहिए, इन दिस केस टू कंफर्म द करेक्ट पोलैरिटी इन दिस केस वी शुड बी लेस देन इवन, ये ऐसा होना चाहिए. तो इस तरीके से हम कैरी आउट करते हैं हमारी पोलैरिटी टेस्ट. इसके बाद फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे फेजिंग आउट टेस्ट ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर. यहाँ पे बात हो रही है थ्री फेज की. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.